हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कैरियर हियर से एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अपना कला और संस्कृति का भाग दो लेके। होप कि आपने भाग एक को एंजॉय किया होगा। ठीक है, तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, चा चाय। तो देखिए, चा चाय के बारे में यहाँ लिखा हुआ भी है और मैं बता देता हूँ कि भारत के जो संस्कृति पर्यटन मंत्रालय हैं, मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, और पुर्तगाल के जो राष्ट्रपति हैं मार्सालो रेबोलो डी सूजा, उन्होंने क्या किया है, अभी दिल्ली के एक म्यूज़ियम में उद्घाटन किया था। उद्घाटन क्या किया था, एक परंपरा है, उस परंपरा को स्टार्ट कर दोनों ने मिलकर किया था। और ये परंपरा क्या है, ये परंपरा है चाय पीने की। तो चाय पीने की परंपरा आपको लग रहा होगा कि ये म्यूज़ियम में क्या स्टोर किया गया, कैसे क्या किया गया। तो इसके लिए मैं बता दूं करके कि एक पुर्तगाल के कलाकार हैं, उनका नाम है जोनावा वास्कोंसलो। तो उन्होंने क्या किया है, केतली बनाई है, खूब बड़ी सी केतली बनाई है, उसको एज अ सिंबल बनाया गया है। ठीक है, वो सिंबल बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस तरह की एक केतली है, एक बड़ी सी केतली है, ऐसी केतली है, इस तरह की बनी हुई है, बहुत लोगों ने इसको विजिट किया था। तो ये केतली बनाई है, तो ये केतली बनाई है, और ये केतली जो है एक सिंबल है दोनों की, हिस्टोरिकल जो पुरानी ऐतिहासिक जो यादें हैं उनको लेके ये पेंटिंग बनाई गई है। ठीक है, पेंटिंग नहीं बनाई गई, केतली बनाई गई है। ठीक है, अब देखिए, अब एक बात आपको बता देता हूँ कि जो जैसे कि आप पढ़ रहे हैं करके पुर्तगाल, तो पुर्तगाल एक ऐसा देश है जो चाय के लिए प्रसिद्ध है। चाय के लिए किस तरह प्रसिद्ध है, तो पुर्तगाल में एक ट्रेडिशन चला आ रहा है, बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है। वो परंपरा ये है करके कि वहाँ पे 5 बजे हर रोज़ शाम को 5 बजे हर परिवार के लोग अपने पूरी फैमिली के साथ बैठ के चाय पीते हैं। ठीक है, और भारत के लोग भी चाय पीने के बहुत सारे एरियाज़ हैं, भारत के यहाँ चाय के बहुत प्रोडक्शन होते हैं, तो यहाँ पे भी चाय पीने का काफ़ी अब ट्रेंड हो गया करके। तो अब दोनों दोनों अपना आपस में संस्कृति का आदान प्रदान करने के लिए ये म्यूज़ियम में ये केतली बनवाई। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक करते हैं, तिरुवल्लुवर। तो तिरुवल्लुवर क्या है, ये एक नाम है, एक संत हुए, बहुत बड़े दार्शनिक हुए, ठीक है, समाज सेवी हुए, ये कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो ये तमिलनाडु में एक संत थे, उनका ये नाम है तिरुवल्लुवर। तो अभी क्या है, उनकी जितनी फ़ोटोज़ हैं, आप तमिलनाडु और जो साउथ जोन है वहाँ पे देखेंगे, तो जितनी भी उनकी मूर्ति हैं, पेंटिंग्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, आपको वाइट कलर के शॉल ओढ़े ही दिखेंगी। लेकिन अभी रिसेंटली क्या हुआ था, सोशल मीडिया में किसी ने इनकी जो है एक केसरिया रंग का कपड़ा पहने हुई कोई फ़ोटो पोस्ट कर दी थी। तो जिससे क्या हुआ था, वहाँ पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, बहुत विवाद हो गया था वहाँ पे। तो ये हाल में ही चर्चा का विषय है, इसीलिए मैंने इसको टॉपिक में शामिल किया। चलें आगे बढ़ते हैं, आगे आज के दिन का पहला क्वेश्चन करते हैं। तो आपके आज के दिन का जो पहला क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती बौद्ध मठ कौन सा है। आप भी अपनी राय दीजिए मुझे, कौन सा है, आपने भी पढ़ाई की होगी, क्या लगता है आपको। तो देखो, पहला ऑप्शन आपको दिया था मोघल मारी मठ, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे भोजन कोड़ा लिख गया है एक्चुअली, तो ये बोजन कोड़ा है, याद रखिएगा, क्या है, बोजन कोड़ा, बोजन कोड़ा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया है, बोजन कोड़ा मठ। तीसरा है कीर्ति झेपा मठ, और चौथा है लामा युरु मठ। ठीक है, तो चलिए इसको मैं बताता हूँ आपको, जो आपका पहला मठ दिया है, पहला मठ आपका कौन सा दिया है भाई, ये दिया है मोघल मारी। तो मोघल मारी मठ जो है ये वेस्ट बंगाल में है, ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। पहला मठ कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है। दूसरा ऑप्शन जो दिया है बोजन कोड़ा मठ, तो बोजन कोड़ा मठ मैं आपको बता दूं करके, ये मठ जो है आंध्र प्रदेश में है। बोजन कोड़ा मठ कहाँ पे है, ये मठ आपका ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, देखो बोजन कोड़ा मठ एक और मठ है वहाँ पे, लिंगामित्ता। ठीक है, लिंगामेटा, तो मठ याद रखेंगे। तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, और ये जो मठ है करके ये बौद्ध मठ है। ठीक है, चलिए तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा है कीर्ति झ्यापा मठ, कीर्ति झ्यापा मठ जो है ये आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर ही है, यही मठ कहाँ पे है आपका, ये मठ आपका है धर्मशाला में, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ओके। चौथा मठ आपका दिया है लामा युरु मठ, तो लामा युरु मठ का है ये जो है लद्दाख का सबसे पुराना मठ है भाई। ठीक है, तो आपसे अगर ये क्वेश्चन बन जाए कि लद्दाख का सबसे पुराना मठ कौन सा है, तो आप बोलेंगे लामा युरु, लामा युरु, ये लद्दाख का मठ है, जम्मू कश्मीर का है, और ये सबसे पुराना मठ है। होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैं आपको कुछ मठ लेके आया हूँ जो आपको याद करने हैं, इनको लिखना है करके, या तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो भारत के ये बहुत ही महत्वपूर्ण मठ है जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए पहले बात करते हैं श्रृंगेरी मठ की। तो श्रृंगेरी मठ जो है एक दक्षिण भारत का मठ है, दक्षिण भारत में ये मठ है, और जो कि कहाँ पे है, चिकमंगलूर में है, ठीक है। कहाँ पे? चिकमंगलूर। अब आप बोलेंगे चिकमंगलूर कहाँ पे है, तो ये जो कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। चिकमंगलूर क्या है? कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो श्रृंगेरी मठ आपका जो है कर्नाटका में है, ठीक है। दूसरा है शारदा मठ। तो शारदा मठ मैंने लिखा है गुजरात के द्वारका धाम में है, ठीक है। तीसरा है ज्योतिर्मठ, तो उत्तराखंड के बद्री धाम में है ये। और चौथा मठ है आपका गोवर्धन मठ, इसमें लिखा हुआ है कि ये उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में है। और बेल्लूर मठ ये कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल में है, ठीक है भाई। कहाँ पे है? पश्चिमी बंगाल में। रामचंद्रपुरा मठ कहाँ पे है? ये कर्नाटका में है। अगला है गोदापट आचार्य मठ, तो ये कहाँ पे है? गोवा में है। और लास्ट कांची मठ आपका है तमिलनाडु में। ओके, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका पंदरपुर वारी जो है ये हाल ही में, ये पंदरपुर वारी ये आपकी जनवरी मकर संक्रांति के आसपास का जो है ये एक इवेंट होती है, ठीक है। सॉरी, जनवरी नहीं, आपका जुलाई के आसपास होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये एक गांव है जिसका नाम है आनंदी गांव, ठीक है। तो वहां से एक यात्रा स्टार्ट होती है, आनंदी गांव से एक यात्रा स्टार्ट होती है, और जो कि महाराष्ट्र के बिठोवा मंदिर, ठीक है। बिठोवा मंदिर महाराष्ट्र का कहाँ पे है? वहाँ पे एक गांव पड़ता है जिसका नाम है पंढरपुर, ठीक है, पंढरपुर। ओके, तो वहाँ तक ये यात्रा जाती है, और ये यात्रा जो है 150 किलोमीटर की दूर की यात्रा होती है। और इस यात्रा को जो समय सीमा होती है तय करने की, वो 21 दिन होती है, यानी कि मैक्सिमम 21 दिनों में वहाँ पे पहुँचना जाता है। और ये यात्रा जो स्टार्ट की थी, एक बहुत वहाँ पे जो है संत थे जिनका नाम था त्र्यंबक पंत कुलकर्णी, तो उनके द्वारा ये यात्रा जो है आरंभ की गई थी। ओके भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, एक आपका क्वेश्चन है विस्थापित कश्मीरी पंडित समुदाय द्वारा जम्मू कश्मीर में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा मेला क्या लगता है आपके? ठीक है, तो देखो इसके ऑप्शन दे दिए हैं आपको। पहला ही ऑप्शन दिया है आषाढ़ी बीज, दूसरा है मेला खीर भवानी, तीसरा है चामलियाल मेला, और चौथा है लुई नगईनी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन लगता है भाई? आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता देंगे, ठीक है। वैसे मैं इसको आपको बता देता हूँ करके। तो देखो पहला क्या ऑप्शन दिया है आपका? आषाढ़ी बीज। तो आषाढ़ी बीज जो है ये कहाँ पे है? ये गुजरात का है, ठीक है। गुजरात का मेला है आषाढ़ी बीज, और ये गुजरात के कच्छ में मनाया जाता है। वहाँ पे कच्छ समुदाय के कुछ लोग हैं, वो इस मेले को मनाते हैं, ठीक है। तो पहला कहाँ पे होगा? पहला मेला आपका कहाँ होता है? गुजरात के कच्छ में। आषाढ़ी बीज गुजरात के कच्छ में होता है। दूसरा है मेला खीर भवानी। तो मेला खीर भवानी मैं बता दूँ, ये जम्मू और कश्मीर में होता है। कहाँ पे होता है? J&K में होता है, जम्मू और कश्मीर में। और जम्मू और कश्मीर में यही जो है जो कश्मीरी पंडित समुदाय है उनके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी, ठीक है। चलिए तीसरा क्या है? चामलियाल मेला। तो चामल में याली मेला ये भी आपका कहाँ पे होता है? J&K में ही होता है, जम्मू कश्मीर में होता है। लेकिन ये जो मेला है, जो महाराज दिलीप सिंह थे तो उनके जो पुण्य स्थली है, ठीक है, वहाँ पे ये मेला आयोजित किया जाता है। और चौथा मेला है आपका लुई नगईनी। तो लुई नगईनी में जो मेला है ये काफ़ी बड़ा मेला है, ये मणिपुर में होता है भाई। कहाँ पे होता है? मणिपुर में। तो ये मणिपुर में होता है, और मणिपुर में जो है एक जनजाति है जिसका नाम है नागा। तो मणिपुर में जो है ये नागा जनजाति द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो लुई नगईनी मेला कहाँ पे आयोजित होता है? ये मणिपुर में होता है, और किसके द्वारा होता है? ये होता है नागा जनजातियों के द्वारा। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, जैसे नागालैंड है तो नागालैंड में एक बहुत प्रसिद्ध मेला और भी होता है। मेला क्या? एक महोत्सव वहाँ पे होता है। कौन सा महोत्सव होता है? हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है। कौन सा होता है? हॉर्नबिल महोत्सव। तो हॉर्नबिल महोत्सव ये काफ़ी खतरनाक भी है, ठीक है। ये जो है ये हानिकारक भी है, क्योंकि पशुओं के साथ जो है आदमी का थोड़ा सा कुछ होता है उस टाइप से, ठीक है। तो ये हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पे होता है? ये जो होता है और नागालैंड में होता है, और इसमें जो है देशज योद्धा नामक जनजाति होती है, ठीक है।
और ये देशज योद्धा जनजाति होती है ये उनके द्वारा मनाया जाता है। और इसका जो नाम पड़ा वो हार्न बिल पक्षी नामक एक पक्षी होती है हार्न बिल की नाम की, तो उसके नाम पे पड़ा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी। ओके भाई चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। और अच्छा मैं कुछ और आपको बता देता हूँ, कुछ अन्य महत्वपूर्ण महोत्सव जो मनाए जाते हैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूँ। जैसे एक है नाबोगा जात्रा, ठीक है, एक क्या है नागोबा जात्रा। तो ये नागोबा जात्रा जो महोत्सव है ये तेलंगाना में मनाया जाता है, ठीक है। तेलंगाना में एक जगह है जिसका नाम है आदिलाबाद, ठीक है, तेलंगाना की एक जगह है जिसका नाम क्या है आदिलाबाद, ठीक है। ये जगह कौन सी है आदिलाबाद, तो ये आदिलाबाद जगह में मनाया जाता है। और इसकी खास बात क्या है, ये किनके द्वारा मनाया जाता है, तो वहाँ पे एक गोंड जनजाति है, ठीक है, गोंड जनजाति है, तो गोंड जनजाति के द्वारा क्या मनाया जाता है नागोबा जात्रा मनाया जाता है गोंड जनजाति द्वारा आदिलाबाद में। आदिलाबाद कहाँ है, तेलंगाना में, ठीक है। इससे जुड़ा एक चीज़ और बताता हूँ आपको, और इसमें क्या होता है, इसमें एक गुसाड़ी नृत्य होता है, गुसाड़ी नाम का नृत्य, कौन सा नृत्य, गुसाड़ी। तो गुसाड़ी नृत्य का प्रदर्शन ही इसमें नागोबा जात्रा में किया जाता है, ठीक है भाई। चलिए दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, दूसरा क्या है आपका पोराग त्यौहार, ठीक है, पोराग त्यौहार जो है, तो ये पोराग त्यौहार कहाँ पे मनाया जाता है, असम में, असम में। और इसको एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम होता है नरसिंह बिहू, क्या नाम से जानते हैं, नरसिंह बिहू। तो नरसिंह बिहू के नाम से भी इसको जाना जाता है। और वहाँ पे एक जनजाति होती है जिसका नाम है मिसिंग जनजाति, कौन सी जनजाति है, मिसिंग जनजाति, ठीक है। तो मिसिंग जनजाति द्वारा नरसिंह बिहू उत्सव या फिर पोराग त्यौहार मनाया जाता है। ओके तीसरा है आपका, तीसरा है मकर विलक्कू महोत्सव। मकर विलक्कू महोत्सव, जैसे मैं थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मिसिंग कर दिया है, जो मकर विलक्कू महोत्सव होता है वो एक्चुअली केरला में नहीं मनाया जाता, तेलंगाना में नहीं मनाया जाता। मकर विलक्कू उत्सव जो होता है वो केरल में मनाया जाता है, केरला में मनाया जाता है, ठीक है, केरल में मनाया जाता है ये। और ये केरल में एक सबरीमाला मंदिर आपने सुना होगा, ठीक है, सबरीमाला मंदिर, तो केरल के ये सबरीमाला मंदिर के कैंपस में मनाया जाता है, सबरीमाला मंदिर के कैंपस में, ठीक है। तो मकर विलक्कू महोत्सव जो है वो केरल में एक मंदिर है जो सबरीमाला मंदिर है उसके कैंपस में मनाया जाता है, वो आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवरोज के प्रसिद्ध फारसी लिख गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फारसी त्यौहार की शुरुआत किस शासक ने की थी। नवरोज के प्रसिद्ध फारसी त्यौहारों की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो पहला ऑप्शन आपको दिया है अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक और चौथा ऑप्शन है बलबन। क्या लगता है भाई आप लोग को, ठीक है, तो ये जो नवरोज के प्रसिद्ध फारसी त्यौहार हैं इनकी शुरुआत की थी बलबन ने, ठीक है भाई, इनकी शुरुआत किसने की थी, बलबन। तो बलबन के बारे में कुछ बात बताता हूँ, तो बलबन वही शासक है जिसने रक्त और लौह नीति की शुरुआत की थी। बहुत बार एग्जामों में ये क्वेश्चन बना है कि रक्त और लौह नीति की शुरुआत किसने की थी, तो रक्त और लौह नीति की शुरुआत बलबन ने की थी, ठीक है। और इसके बारे में और बताता हूँ कि जो चालीसा ग्रुप होता था, चालीसा ग्रुप की स्थापना किसने की थी, ये की थी इल्तुतमिश ने, चालीसा ग्रुप, ठीक है। तो चालीसा ग्रुप जो है इसकी स्थापना किसने की थी, इसकी स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने क्या किया था, 40 एक सरदार थे, सरदारों का एक समूह लिया था, बड़े सरदार थे करके, पावरफुल थे, उनका एक ग्रुप बनाया था, तो उस ग्रुप को ही चालीसा ग्रुप या चालीसा सरदारों का ग्रुप कहा गया। तो चालीसा सरदारों का भी क्या किया था, इसने खात्मा करवा दिया था बलबन ने। और क्यों खात्मा करवाया था, क्योंकि वो भी सत्ता के इच्छुक हो गए थे, वो भी चाहते थे, वो सत्ता हड़पना चाहते थे, ठीक है। बलबन के बारे में एक बात और बताता हूँ कि अपने आप को ये भगवान मानता था, ठीक है, इसलिए अपने आप को क्या कहता था, ये मैं भगवान हूँ, और कहता था कि जब भी मेरे दरबार में आओ तो आपको पैपोज और सिजरा करना पड़ेगा। पैपोज और सिजरा का मतलब ये होता है, पैपोज होता है कि मतलब जो सुल्तान होगा लेट के उसके पैरों को चूमना, ठीक है, जो सुल्तान होगा कोई भी जाएगा उसके पास तो लेट के सुल्तान के पैरों को चूमेगा, और सिजरा का मतलब होता है सिर झुकाना, सिर झुकाएगा और वहाँ पे लेट के उसके पैरों को जो है चूमेगा, तो ये इसी को कहते हैं करके पैपोज और सिजरा।
और ये लास्ट में औरंगजेब का, उस औरंगजेब जो है बलवन का खात्मा कर देता है। ठीक है भाई, तीसरा क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बलवन। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी भाषा है जो शास्त्रीय भाषा के रूप में जानी जाती है। तो देखिए, शास्त्रीय भाषा के रूप में पहला ऑप्शन आपको दिया है क्या, गुजरात, दूसरा ऑप्शन है तमिलनाडु, तीसरा है मराठी और चौथा है मलयालम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, इसमें दो आंसर राइट होंगे, तमिल और मलयालम। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो शास्त्रीय भाषा किसे कहते हैं, शास्त्रीय भाषा के होने के लिए कुछ क्राइटेरियाज हैं। तो पहली चीज़ इसमें ये होती है कि अगर कोई भी भाषा आपकी 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो, ठीक है, 1500 से 2000 वर्ष पुरानी हो, और दूसरी चीज़ कि इसको मतलब बहुत पुराने टाइम से लोग बोलते चले आए हों, और तीसरी चीज़ ये है कि ये भाषा किसी दूसरे भाषा से ना ली गई हो, इसके स्वयं की भाषा हो, स्वयं की ग्रामर हो, स्वयं के शब्द हो, तो उनको क्या कहेंगे, वो शास्त्रीय भाषा कहलाएंगी। और हिंदुस्तान में 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, हिंदुस्तान में 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। पहली है तमिल भाषा, हिंदुस्तान की पहली कौन, तमिल भाषा। ठीक है, तो तमिल भाषा को मैं आपको बता देता हूँ कि तमिल भाषा को 2004 में तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, 2004 में तमिल को मिला था, 2005 में संस्कृत भाषा को मिला था, 2005 में संस्कृत भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था, और कन्नड़ और तमिल ये दोनों भाषाएं हैं, इनको 2018 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था। कन्नड़ और तमिल दो भाषाएं हैं जिनको 2008 में साहित्य शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला, 2013 में मलयालम को मिला था, 2013 में किसको मिला था, मलयालम को मिला था, मलयालम, तो 2013 में मलयालम को मिला था, और 2014 में उड़िया को मिला था। ठीक है, 2014 में उड़िया को मिला था। तो ऐसी 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिल चुका है, 2004 में तमिल को, 2005 में संस्कृत को, 2008 में कन्नड़ और तमिल को, 2013 में मलयालम को, और 2014 में उड़ीसा को। ठीक है, उड़िया को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा कौन सा होगा, तमिल और मलयालम दोनों है। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है, लक्षद्वीप के लोगों के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए हैं, पहला है मलयालम, दूसरी है कन्नड़, तीसरी है तमिल, चौथी है तेलुगु। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है, कौन सा राइट आंसर होना चाहिए, सब एक ही जैसी, देखो सब साउथ इंडियन लैंग्वेज है, तो इसमें कन्फ्यूजन आपको हो सकता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे। तो पहले आप देख लीजिए लक्षद्वीप की लोकेशन क्या है मैप में भारत के, ये भारत है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे क्या है, ये केरला है आपका, यहाँ पे केरला है। ठीक है, और लक्षद्वीप आपका कहाँ पे है, इस साइड में लक्षद्वीप है, और केरला की जो भाषा है, केरला में क्या बोली जाती है, मलयालम, केरला में क्या बोली जाएगी, मलयालम बोली जाती है, और केरला से समझ लीजिए कनेक्टेड है, ये केरला के पास में ही है, तो डेफिनेटली लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाएगी जो कि केरला में बोली जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, मलयालम। ओके चले आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को कौन सा शहर गुरु दक्षिणा के रूप में दिया गया। ठीक है, पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को कौन सा शहर गुरु दक्षिणा के रूप में दिया गया। पहला है रावलपिंडी, दूसरा है हस्तिनापुर, और तीसरा है गुड़गांव। ठीक है, तो भाई क्या लगता है आपको, कौन सा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, पांडव द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को कौन सी जगह जी है गुरु दक्षिणा के रूप में दी गई थी। तो देखो ये ऑप्शन डी आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा है गुड़गांव, और गुड़गांव जो है इसको गुरुग्राम भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, गुरुग्राम। तो देखो नाम से ही आपको पता चल रहा है, यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि गुरु का ग्राम, तो जो गुरु को दी गई होगी वही गुरु का ग्राम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, गुड़गांव या गुरुग्राम। ओके भाई चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन है बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से हैं, चित्रकला के क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति कौन से हैं। तो आपके ऑप्शन दिया है, पहला है परवीन सुल्ताना, दूसरे हैं प्रोफेसर टी एन कृष्णन, और तीसरे हैं राम किंचर। एक्चुअली यहाँ पे राम किंचर लिख गया है, होना चाहिए राम किंचन, रा नहीं होना चाहिए, ना होना चाहिए, राम किंचन। और चौथे हैं राजा रवि वर्मा, ठीक है। तो मैं एक एक आपको ऑप्शन बताता हूँ। पहला ऑप्शन दिया है आपको परवीन सुल्ताना, तो परवीन सुल्ताना के बारे में बता देता हूँ, ये क्लासिकल सिंगर हैं, ठीक है। ये क्या है, क्लासिकल सिंगर हैं, ये पटियाला की हैं और एक क्लासिकल सिंगर हैं, और इनको पद्मश्री पद्म भूषण ये दोनों अवार्ड मिल चुके हैं। और 1998 याद रखिएगा 1998 में इनको संगीत नाटक एकेडमी से जो है संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये कहाँ है, एक क्लासिकल सिंगर है करके, और ये कहाँ की हैं, पटियाला की हैं। 1998 इनको संगीत नाटक एकेडमी का अवार्ड मिला है, और इसके पहले इनको जो है पद्मश्री और पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो हमें चित्रकला के क्षेत्र में है, तो ये क्लासिकल सिंगर है, तो ये ऑप्शन तो आपका नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलिए दूसरा, प्रोफेसर टी एन कृष्णन, ठीक है। तो प्रोफेसर टी एन कृष्णन कहाँ के हैं, ये कर्नाटका के हैं, और ये क्या ये किस तरह की पर्सनैलिटी है, तो मैं आपको बता दें, ये एक वायलिन वादक हैं, ठीक है, ये वायलिन बजाते हैं, तो ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, ये वायलिन बजाते हैं, और आपके क्वेश्चन में चित्रकला, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। तीसरा है राम किंचर, राम किंचर जो है ये भी पद्म विभूषण प्राप्त हैं, और ये एक पेंटर है करके, ठीक है, ये क्या करते हैं, पेंटिंग करते हैं, ठीक है, तो ये चित्रकला से संबंधित हैं, तो ये बिल्कुल हो जाएंगे। और चौथा है राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा के बारे में बता देता हूँ कि ये भारत यूरोपियन आर्ट की पेंटिंग करते हैं, ये भी, ठीक है, ये भारत और यूरोपियन आर्ट की पेंटिंग करते हैं, और इनकी एक महत्वपूर्ण पेंटिंग है जिसका नाम है सारिक लैंड, क्या नाम था, सारिक लैंड, ठीक है, इनका नाम था सारिक लैंड, ठीक है। सारिक लैंड का मतलब सारी में एक लड़की, उसकी इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी, ठीक है। चलिए एक नाम और मैं आपको बता देता हूँ, चित्रकारी में जो है चित्रकला में एक बहुत बड़ा नाम है जिनका नाम है जामिनी राय, ठीक है, क्या नाम है, जामिनी राय, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जामिनी राय के बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन बना है। तो जामिनी राय जो है इंडिया की एक बहुत बड़ी पेंटर है, ठीक है, और जामिनी राय के बारे में कहते हैं एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि ये काली घाट कला पेंटिंग करती हैं, ठीक है, थीके? काली घाट कला पेंटिंग का मतलब होता है कि जो पेंटिंग जो होती है मोटे ब्रश से की जाती है, क्या होती है, काली घाट कला पेंटिंग, तो काली घाट कला पेंटिंग का मतलब होता है ऐसी पेंटिंग होती है जो बहुत मोटे ब्रश से की जाती है, ठीक है, ठीक है। और देखो इनकी एक पेंटिंग है बहुत प्रसिद्ध, वर्ल्ड फेम पेंटिंग है, उस पेंटिंग का नाम है डुअल कैट विथ वन क्रैक फिश, ठीक है, ये याद रखेंगे, डुअल कैट विथ वन क्रैक फिश, ठीक है। तो ये एक इनकी बहुत वर्ल्ड क्लास पेंटिंग है, ठीक है। और एक दूसरी पेंटिंग भी इनकी आई थी, और दूसरी पेंटिंग कौन सी थी, ये थी ब्राइड एंड टू कंपेनियन, ठीक है, क्या थी, ब्राइड एंड टू कंपेनियन, तो ये जो भी है ये जामिनी राय की पेंटिंग थी, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि लोक चित्रकला मधुबनी किस राज्य में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, होप आपको पता भी होगा। तो ये जो मधुबनी पेंटिंग है ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बिहार की, ठीक है, मधुबनी पेंटिंग भाई मेरे कहाँ की प्रसिद्ध है, ये बिहार की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा इसके बारे में और जान लीजिए कि जो ये मधुबनी पेंटिंग है इसको मिथिलिया पेंटिंग भी कहते हैं, मिथिलिया पेंटिंग, इसको मिथिलिया पेंटिंग भी कहते हैं। और ये मिथिलिया पेंटिंग कहाँ पे कहलाती है, नेपाल में इसको मिथिलिया पेंटिंग कहते हैं, ठीक है। तो इंडिया में, इंडिया के बिहार में इसको, ठीक है, मधुबनी चित्रकला की मधुबनी पेंटिंग, और ये इसको जो है नेपाल में किसके नाम से जाना जाता है, मिथिलिया के नाम से जाना जाता है, मिथिलिया पेंटिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई मेरे, सी, ओके। चलें आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, मैं आपको एक टॉपिक बताता हूँ, अगला है, नेक्स्ट टॉपिक है पट्टू चित्र, ठीक है। तो पट्टू चित्र के बारे में थोड़ी सी देख लीजिए, ये क्या है, तो ये जो है हाल ही में जो है उड़ीसा के जो तटीय गांव हैं वहाँ पे एक चक्रवात आया था जिसका नाम था फानी, क्या नाम था, फनी, यहाँ पे लिख गया है फानी, ठीक है। तो
तो फानी चित्र वो जो चक्रवात आया था तो उसके कारण से इस चित्रकला के बहुत सारे जो खंड हैं उनको बहुत ज़्यादा क्षति पहुँची थी। ठीक है, उनको क्या हुआ था, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। ये जो आपका जो है पट्ट चित्र है, यहाँ पे पट्टू चित्र लिखा है, सॉरी ये टू नहीं है पट्ट है, तो जो पट्ट चित्र है तो इस पट्ट चित्र में बेसिकली क्या होता है, इसमें बहुत सारी पेंटिंग होती है, इसमें स्पेशली भगवानों की पेंटिंग होती है। तो जैसे भगवान जगन्नाथ की है, रामलीला है, ठीक है, रासलीला है, महाभारत, रामायण, गीत गोविंद, इन सबकी जो है ये लोक कथाओं को चित्रण किया जाता है इसमें। ठीक है, इनमें चित्रण किया जाता है। और ये जो है पूरी उड़ीसा की एक पहचान है, वहाँ पे एक गांव है जिसका नाम है रघुराजपुर, कहाँ पे, उड़ीसा, उड़ीसा पुरी में, और एक गांव है जिसका नाम है रघुराजपुर, तो ये वहाँ का एक विरासत गांव के रूप में भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये इस अभी चर्चा का विषय है, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें बहुत सारे जो है प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत सारी इसमें क्षतियाँ हो गई थी करके। ठीक है, ओके। और इसके बारे में एक चीज़ और बता देता हूँ कि उड़ीसा में कलाकारों की एक जाति है जिसका नाम है महापात्रा। ठीक है, उड़ीसा के कलाकारों की एक जाति है जिसका नाम क्या है, महापात्रा। तो ये महापात्रा द्वारा ही डिज़ाइन की जाती है। तो आपको ये याद रखना है कि फानी जो चक्रवात आया था उसके कारण पट्र जो चित्र है, ये कला है, इसमें बहुत सारे इसके भूभागों में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोल्हापुरी चप्पल। ठीक है, कोल्हापुरी चप्पल जो है इस टाइम चर्चा का विषय क्यों है, क्योंकि जो कोल्हापुरी चप्पल है इसको हाल ही में GI टैग मिला है। ठीक है, इसे क्या मिला है, हाल ही में GI टैग मिला है। और GI टैग आप जानते हैं क्या होता है, ग्राफिकल इंडिकेशन। GI क्या होता है, ग्राफिकल इंडिकेशन। चलिए, अच्छा, ये जो कोल्हापुरी चप्पल है इनका हिस्ट्री बहुत पुरानी है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री जो है ये बनना कब से शुरू हुआ भारत में, 12वीं सदी से शुरू हुआ। तो इसके बारे में आपको एक छोटी स्टोरी बताता हूँ क्या था। तो एक राजा थे जिनका नाम है बिजल राजा। ठीक है, बिजल राजा, उनको बीदर राजा भी कहा गया है। बिदल राजा जो थे उनको बीदर राजा भी कहा गया है। अब वो कर्नाटक के राजा थे, तो उनके एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विश्वगुरु बसवन्ना। ठीक है, राजा कौन थे, बिशल राजा, मैं लिख के देता हूँ क्या राजा थे, विशल राजा थे। और इनके जो प्रधानमंत्री हैं, ये कर्नाटक के राजा हैं, और इनके जो प्रधानमंत्री थे वो क्या थे, उनका नाम था विश्वगुरु बसवन्ना। तो वो क्या थे, वो मोची समाज से आते थे। ठीक है, कोबलर समाज से आते थे, तो समाज में उनका दर्जा बहुत ऊंचा नहीं था। ठीक है, समाज में उनका बहुत ऊंचा दर्जा नहीं था, तो वो क्या चाहते थे कि मेरा समाज में जो है, मेरे समुदाय का और मेरे लोगों को और मेरे को समाज में एक अच्छा दर्जा मिले। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, एक खास तरह की फैक्ट्री खोली, एक चप्पल बनाने की फैक्ट्री खोली करके, ताकि उनका नेम फेम हो सके। तो उन्हीं चप्पलों का जो नाम है उन्हें ही कोल्हापुरी नाम रखा गया। ठीक है, कोल्हापुरी नाम रखा गया। और फिर एक आपको पता है कि जो मराठा थे, मराठा में एक छत्रपति जो थे, छत्रपति साहू महाराज जी जो थे, तो छत्रपति साहू जी महाराज के कार्यकाल में इन चप्पलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा होने लगा, इनका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होने लगा। और उन्होंने बहुत सारे केंद्र खोले, बहुत सारे सेंटर्स खोले, किसके लिए, ताकि उनको डिफरेंट कलर के कलर किए जा सके। ठीक है, और आपको पता है कि 20वीं सदी में जो है इसका उत्पादन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा। ठीक है, ठीक, ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसको GI टैग मिला है इस बार। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका कोल्हापुरी चप्पल है ये दो स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। पहला स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है, पहला स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के 4 डिस्ट्रिक्ट हैं प्रमुख रूप से जो इसका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, पहला है कोल्हापुर, पहला कौन सा है, कोल्हापुर, पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, कोल्हापुर। ठीक है, और दूसरा है सांगली, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सांगली डिस्ट्रिक्ट। और तीसरा है सोलापुर, तीसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, सोलापुर। और एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है सतारा डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो ये 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, कौन कौन से है, कोल्हापुर, सांगली, सोलापुर और सतारा। तो ये 5 वो 4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में जहाँ पे कोल्हापुरी चप्पलों का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। और दूसरा स्टेट ऐसा कौन सा है जहाँ पे इनका प्रोडक्शन बहुत होता है, तो वो है कर्नाटका। ठीक है, तो कर्नाटका में भी इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है कर्नाटका में। और कर्नाटका में भी 4 ऐसे कर्नाटका के ज़िले हैं जहाँ पे इनका प्रोडक्शन बहुत होता है। तो एक है धारवाड़। ठीक है, कौन सा है, धारवाड़,
धरवाद, एक है बेलगांव, धरवाद बेलगांव, धरवाद है बेलगांव है, एक है बागलकोट, ठीक है बागलकोट, 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 और लास्ट है एक है डिस्ट्रिक्ट बीजापुर, ठीक है अगला डिस्ट्रिक्ट है बीजापुर। तो कर्नाटका के चार डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है धरवाद बेलगांव बागलकोट और बीजापुर, ठीक है धरवाद बेलगांव बागलकोट और बीजापुर। तो यहाँ पे जो है कर्नाटका में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है और महाराष्ट्र में कोल्हापुर सांगली सोलापुर और सतारा। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है बस आज के टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो बाय।